हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे रेडमी नोट एट से रिलेटेड। 21 अक्टूबर को इस फ़ोन की फर्स्ट सेल थी और अमेजोन पे ये फ़ोन एक सेकंड में ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मैंने खुद MI स्टोर से जाके परचेज करा है। फ्रैंकली स्पीकिंग 10,000 रुपीज़ का ये फ़ोन है जिसमें 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज दी गई है। प्राइस को कंसिडर करते हुए इस फ़ोन के जो स्पेक्स हैं और ओवरऑल जो ये फ़ोन है वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा है। अगर मैं वीडियो में फ़ोन की तारीफ़ ज़्यादा करूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये पेड वीडियो है, बिकॉज मैंने ये फ़ोन यार खुद परचेज करा है। मैं आपको बिल भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे बना आ रहा होगा बिल, तो आप देख लो। और इस बात को भी समझ लो कि जो ब्रांड रिव्यू यूनिट तक नहीं दे रहा वो पैसे क्या देगा। तो अगर मैं फ़ोन की तारीफ करता हूँ तो दैट मीन्स फ़ोन एक्चुअली में काफ़ी अच्छा है। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जो रेडमी नोट एट परचेज नहीं कर पाए होंगे बिकॉज एक सेकंड में फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो ऐसे में एक और अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पे इस टाइम पे सेल चल रही है और सेल में रेडमी नोट 7 प्रो सिर्फ 12,000 रुपीज का मिल रहा है। और अगर आप बैंक ऑफर अप्लाई करोगे तो नोट 7 प्रो इजीली आपको 11,000 रुपीज में मिल जाएगा। अब रेडमी नोट 7 प्रो में जो CPU है और जो GPU है वो एक्चुअली में रेडमी नोट 8 से बेटर है। वेयर एज रेडमी नोट 8 में आपको बॉक्स के अंदर 18 वॉट का फास्ट चार्जर दिया जा रहा है। इनफैक्ट रेडमी नोट 8 में डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, तो आप स्टोरेज को भी इजीली एक्सपेंड कर सकते हो। तो दो पॉइंट्स Redmi Note 8 के बेटर है और दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो Redmi Note 7 Pro के बेटर है। अब आपसे मैं ये पूछता हूं कि अगर आपको इन दोनों में से कोई फोन परचेस करना होगा तो आप कौन सा परचेस करोगे। अगर आप इन दोनों फोन्स का कैमरा कंपैरिजन देखना चाहते हो या फिर आप Redmi Note 8 का किसी और फोन के साथ कैमरा कंपैरिजन देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और दो काम कर देना, एक वीडियो को लाइक और एक चैनल को सब्सक्राइब। आपके अपने भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना तो बनता है। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या राज छुपे इस फोन में। वेल, बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले हमें मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल, उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट TPU केस है, उसके बाद फ़ोन है जिसको मैं साइड में रख रहा हूँ, उसके बाद USB टाइप सी केबल है और 18 वॉट का एक फास्ट चार्जर भी दिया गया है और ये मुझे काफ़ी सही लगा। और अब फोन को अनरैप करते ही मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि फोन देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। बैक साइड पे ये जो ग्रेडियंट इफेक्ट दिया गया है, और आप नोटिस करोगे S की शेप में एक कर्व देखने को मिला है जिसकी वजह से फोन काफी सही लगता है। मतलब मुझे ये ब्लू कलर में फोन काफी अच्छा लगा है। और ये जो फोन है ये फ्लैट है, मतलब Redmi Note 8 Pro की तरह कर्व तो नहीं है, स्टिल फोन का जो डिजाइन है वो काफी प्रीमियम है। इवन दो जो साइड का फ्रेम है वो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से ही बना है, मेटल का फ्रेम इसमें हमें नहीं मिलता है। और जो फोन की थिकनेस है वो 8.4 mm है, तो फोन थोड़ा सा थिक है बट ठीक है, इन हैंड फील अच्छी है फोन की। अब फोन के राइट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स और पावर ऑन ऑफ बटन दिया गया है। बॉटम साइड पे स्पीकर वेंट्स, प्राइमरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन, USB टाइप सी पोर्ट और हेडफोन जैक दिया गया है। और लेफ्ट साइड पे दिया गया है सिम ट्रे स्लॉट, और यहाँ पे आप दो सिम कार्ड्स के साथ अलग से मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हो। फोन के टॉप साइड पे आयर ब्लास्टर दिया गया है और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन है। फोन के फ्रंट साइड में एक छोटी सी नॉच दी गई है जिसमें ईयरपीस, कुछ सेंसर्स और 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है। Redmi Note 8 19:5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ 6.3 inches की फुल HD+ IPS डिस्प्ले के साथ आता है। कलर कॉन्ट्रास्ट मुझे वेल सैचुरेटेड लगा है, इवन डिस्प्ले काफी ब्राइट भी है, तो डे लाइट में अगर आप फोन को बाहर यूज करते हो तो किसी भी तरह का आप इशू फेस नहीं करोगे। और दो एस्पेक्ट्स मुझे इस फोन के काफी सही लगे, एक इस फोन में फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। और 10,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में बहुत सारे फोन्स में HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, बट Redmi Note 8 में फुल HD+ डिस्प्ले दी गई है। Redmi Note 8 करेंटली MIUI 10.3.1 पे चल रहा है ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉयड पाई। अब आप नोटिस करोगे इस फोन में 6 से 7 एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, बट इन ऐप्स को आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। और MIUI एक हाईली कस्टमाइज स्किन है Xiaomi की, और इस यूजर इंटरफेस में काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि डुअल ऐप्स हो गया, ऐप लॉक्स है, स्प्लिट स्क्रीन है और भी काफी सारे फीचर्स हैं। बट आपको MIUI कैसा लगता है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वेल, बहुत सारे कंज्यूमर्स MIUI 11 का वेट कर रहे हैं, तो Xiaomi ने कंफर्म करा है कि इस ईयर के एंड तक MIUI 11 का अपडेट भी आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। अब Redmi Note 8 Qualcomm Snapdragon 665 के साथ आता है। ये प्रोसेसर 11 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है और ये एक काफी पावरफुल ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, स्पेशली अगर प्राइस को कंसिडर करें तो मैं बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करूंगा। अभी तक मैंने जितना फोन को यूज करा है मुझे परफॉर्मेंस काफी सही लगी है, ऐप ओपनिंग टाइम काफी फास्ट है, इवन जो फोन का रैम मैनेजमेंट है वो भी मुझे काफी सही लगा है। थैंकफुली जो बेस वेरिएंट है उसमें 4 GB रैम दी गई है, और इस बात से मैं काफी खुश हूँ कि फाइनली Xiaomi ने 3 GB रैम
नया मॉडल लॉन्च नहीं करा है इंडिया में। अब ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स खेलने के लिए इस फोन में एड्रीनो 610 जीपीयू दिया गया है, एंड जस्ट लाइक एनी अदर फोन जिसमें एड्रीनो 610 जीपीयू है, पबजी में आप HD ग्राफिक्स पे नहीं खेल सकते। इनफैक्ट बैलेंस ग्राफिक्स और मीडियम फ्रेम रेट्स पे ही खेल सकते हो, बैलेंस्ड और हाई का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। अब अगर बात करूँ गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो ये जो स्नैपड्रैगन 665 है, ये मैं ऑलरेडी MI A3 और Realme 5 में यूज़ कर चुका हूँ, और उन दोनों फ़ोन्स में भी पबजी खेलते टाइम मैंने लैग्स नोटिस करे थे, और ये सेम इशू मैंने Redmi Note 8 में भी फेस करा है। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि एड्रीनो 610 GPU के लिए पबजी को फिलहाल ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं करा है, और अगर आप एक ऐसे कंज्यूमर हो जिसकी मेन प्रायोरिटी गेमिंग है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि Redmi Note 7 Pro एक बेटर ऑप्शन रहेगा। अब इस फ़ोन को यूज़ करते हुए फ़िलहाल मुझे सिर्फ एक ही दिन हुआ है। इस फ़ोन में 4000 mAh की बैटरी दी गई है, बट बैटरी बैकअप कैसा है वो मैं आपको फुल रिव्यू में बेटर बता पाऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लेना। इस फ़ोन में जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, कंपास जैसे ऑलमोस्ट सभी सेंसर्स मौजूद हैं, और सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक भी दिया गया है, और ये काफ़ी फास्ट है, एक्यूरेट है, और ये काफ़ी सिक्योर भी लगा है मुझे। अब Redmi Note 8 में सेम Redmi Note 7S की तरह ही 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है विद f2.0 एपर्चर। डेलाइट कंडीशंस में सेल्फीज़ काफ़ी शार्प आती हैं, इवन स्किन टोन्स भी काफ़ी नेचुरल हैं, और पोर्ट्रेट सेल्फीज़ भी ये ठीक से कैप्चर कर लेता है, बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी नेचुरल है। अगर बात करें रियर कैमरा की, तो यहाँ पे क्वाड कैमरास का सेटअप दिया गया है, सेम नोट 7S की तरह 48 मेगापिक्सल का ही प्राइमरी सेंसर है विद f1.79 एपर्चर, और सेम सैमसंग आइसोसेल GM1 सेंसर दिया गया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि GM2 सेंसर देते तो बेटर होता, स्टिल दोनों फोन्स में प्रोसेसर का फर्क है, और ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि Redmi ने इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग में कुछ चेंजेस करे हों, तो हो सकता है कि Redmi Note 8 का कैमरा बेटर परफॉर्म करे, बट वो कंपैरिजन करके ही बेटर पता चलेगा। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मैक्रो सेंसर है। आप देख सकते हो मैक्रो शॉट से ये काफी शार्प कैप्चर कर लेता है, इवन बैकग्राउंड ब्लर भी काफी इंटेंस देखने को मिला है, और अल्ट्रा मैक्रो सेंसर से भी आप मैक्रो शॉट्स कैप्चर तो कर सकते हो, बट ये 2 मेगापिक्सल का सेंसर है तो पिक्चर में डिटेल्स इनफ नहीं है। बट इस फोन का पोर्ट्रेट मोड मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा है, पिक्चर्स काफ़ी शार्प आती हैं, इवन कलर कॉन्ट्रास्ट और स्किन टोन्स भी काफ़ी नेचुरल देखने को मिली हैं, बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी नेचुरल है, और बेस्ट पार्ट तो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये एजेस भी प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेता है, तो पोर्ट्रेट मोड मुझे इस फोन का काफ़ी अच्छा लगा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और फ्यूचर में ऐसे ही अनबायस्ड अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।